एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी एक लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप अटकलें सुलझना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आप कोई भी धार्मिक वीडियो देखते हैं तो आपको कमेंट जरूर करना चाहिए। कमेंट का कोई पैसा नहीं लगता। भगवान के नाम का अगर आप कमेंट करते हैं तो जो भी बंदा आपका कमेंट देखता है तो एक बार उसकी जुबान पर भगवान का नाम जरूर आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको कमेंट हर वीडियो में जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो पर ही कमेंट करिए, कोई भी आप धार्मिक वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट जरूर करिए। जो भी आपको नाम अच्छा लगे, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी नाम आपको अच्छा लगे कमेंट में जरूर लिखना चाहिए। तो चलिए आज के उपाय की बात करते हैं। आज के वीडियो में गुरु जी ने बताया है कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही, एक समस्या खत्म होती है दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी समस्या खत्म होती है तीसरी समस्या आ जाती है, तीसरी समस्या खत्म होती है चौथी समस्या आ जाती है, समस्या के बाद समस्या का सिलसिला आपके जीवन में लगा हुआ है, आप समस्याओं से बाहर नहीं निकल रहे, तो आपको आज का जो उपाय गुरुजी ने बताया है जरूर करना चाहिए। बहुत ही आसान उपाय है, मात्र एक लोटे जल और थोड़े से लाल चंदन से यह उपाय करना है। क्या करना है आपको, एक पात्र में एक कलश के अंदर जल भर लेना है और उसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा लाल चंदन मिश्रित करना है, थोड़ा सा लाल चंदन आपको उसी जल के अंदर मिला लेना है। कलश के जल में लाल चंदन मिलाकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है और वही लाल चंदन मिला हुआ जल बेलपत्री की पेड़ की जड़ में आपको समर्पित करना है। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए या ओम नमः शिवाय का जाप करिए, जो भी आपको मंत्र याद है गुरु जी का वह मंत्र आप साथ में स्मरण करिए। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, सोमवार के सोमवार, हर सोमवार आपको यह उपाय करना है। दिन में कभी भी यह उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल में यह उपाय करते हैं, शाम के समय अगर आप यह उपाय करते हैं तो इस उपाय का फल और भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपके जीवन में भी अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, आप समस्याओं से घिर चुके हैं, तो एक बार ये उपाय जरूर करना। महादेव ने चाहा तो आपकी हर समस्या का समाधान महादेव खुद करेंगे। पर मित्रों, किसी भी उपाय का फल हमें कब मिलता है, जब हम पूरी श्रद्धा, पूरे भाव और पूरे विश्वास से उपाय करते हैं। किसी ने बता दिया और हम ये सोचकर उपाय करते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, तो कभी भी उस उपाय का फल हमें नहीं मिलता। कोई भी उपाय अगर हम पूरी श्रद्धा और भाव से करेंगे, महादेव को ये कहकर करेंगे कि हे महादेव, मेरी समस्या है वो आपकी समस्या है, अब मेरी समस्या का समाधान आपको ही करना है, तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान खुद करते हैं। तो मित्रों, अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि अगर गुरु जी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।